पूरी दुनिया में फैले हुए छोटे मोटे सब इतिहास प्रेमी संस्कृति प्रेमी दर्शकों को जूनागढ़ से डॉक्टर प्रद्युम्न खाचर का जय गिरनारी। आज मैं आपको दत्तात्रेय का प्राचीन घंट की बात करने जा रहा हूं। गिरनार की पांचवी टूक पर गुरु दत्तात्रेय विराजमान है। गुरु दत्तात्रेय को भगवान विष्णु के 24 अवतारों में एक गिनाया जाता है। भागवत मार्कंडेय पुराण में भगवान दत्तात्रेय की कथाएं जानने को मिलती है और ज्यादा जानकारी दत्त बावनी, दत्त महात्मय, दत्त चरित्र और दत्त प्रबोध से पाई जाती है। दत्तात्रेय की टूक पर बड़ा ऐतिहासिक एक घंट लटकाया गया है। लोगों में यह घंट बजाने की अनेरी परंपरा रही है। हमारे काठियावाड़ के ग्रामीण लोग बोलते हैं कि हम गुरु की सखर पर घंट बजा आए हैं। गुजराती मां कहवाई छे कि अमे गरुनी हखरे घंट वगाड़ी आव्या छी, गरुनी हखरे टोकरो वगाड़ी आव्या छी। हमारी उपासना पद्धति और धार्मिक परंपरा में, आस्था और अनुष्ठान में घंट बजाने की परंपरा अनादिकाल से देखने को मिलती है। इसलिए हर छोटे मोटे मंदिरों में घंट लटकाया जाता है। दुनिया के अन्य धर्मों में भी घंट बजाने की परंपरा देखने को मिलती है। विश्व का सबसे प्राचीन घंट बेबीलोन में है ऐसा माना जाता है। न्यूयॉर्क में 10 पाउंड वजन से 20 टन वजन के घंट देखने को मिलते हैं। चीन में 53 टन का घंट है जिसके ऊपर भगवान बुद्ध का संदेश अंकित किया गया है। रशिया में सन 1733 का घंट मिला है। इंग्लैंड में 13 टन वजन का घंट पाया गया है। ऐसे दुनिया के हर भाग में छोटे मोटे घंट की महत्ता और गुणगान गाया है। हमारे ऋषि मुनियों ने यह घंट लटकाने की और बजाने की परंपरा यही कारणों से रखी थी। घंट सुनने से मानव मन जागृत हो जाता है, इसलिए उसका अत्यधिक आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, शारीरिक, वैज्ञानिक महत्व रहा है। घंटनाद सुनने से मानव शरीर में आश्चर्यकारक जनजनाटी पैदा होती है और मानव के मन में अनेकानेक मानवी भाव छलकने लगते हैं और तुच्छ और गंदे विचार गायब हो जाते हैं। इसलिए घंट लटकाया जाता है और बजाया जाता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से घंटनाद को देखा जाए तो कहा जाता है कि जैसे अदृश्य किरणों मानव को लाभप्रद है, ऐसे ही घंट की आवाज भक्तजनों को लाभप्रद है। वह उसकी आध्यात्मिक भावना को जगाता है। घंटनाद से मंदिर की बाहर की दुनिया का आवाज दब जाता है और उसे सिर्फ मंदिर का ही पूजा पाठ और धार्मिक चेतना का ही तरंग सुनाई देता है। हमारे पूर्वज पहले ऐसी मनोतिया रखते थे कि हमारा फला फला काम पूर्ण होने से हम मंदिर में घंट चढ़ाएंगे। यह सब बात हुई घंट की परंपरा और उसका महत्व की। अब मैं आपको दत्तात्रेय की टूंक पर जो घंट रखा गया है उसकी बात बताने जा रहा हूं। यह घंट बड़ा ऐतिहासिक महत्व वाला है। यह घंट संवत 1825 शिवरात्रि माघवद चतुर्दशी को श्री बाबा श्रवणनाथ जी ने गुरु महाराज को चढ़ाया था।
यह घंट पर ऐतिहासिक लेख अंकित किया गया है, इसलिए उसका बड़ा महत्व हो गया है। जब यह घंट सन 1838 में खंडित हो गया, तब बाद में सन 1839 में दूसरा घंट रखा गया था। पहला ऐतिहासिक घंट की नांद जेम्स बर्जेस ने अपनी गिरनार की यात्रा दौरान ली थी, इसलिए इसका बड़ा ऐतिहासिक प्रमाण हमें मिल जाता है। घंट की ऊपर शिलालेख तो जरूर खुदवाया गया है, अंकित किया गया है, लेकिन वो बर्जेस ने भी यह घंट की अपनी किताब में नोंद ली है। यह बड़ी ऐतिहासिक बाबत है। आजकल यहां दूसरा जो घंट रखा गया है वह भक्तजन बजाते हैं, लेकिन यह पुराना ऐतिहासिक घंट भी मौजूद है और हमको बड़ा ऐतिहासिक प्रमाण दे रहा है। और इतनी सालों से ये गिरनार पर दत्तात्रेय भगवान की पादुका का पूजन यह सब लोग कर रहे हैं और सभी जनों को, साधु बाबा को इस दत्तात्रेय महाराज पर इतनी बड़ी श्रद्धा थी और वो समय समय पर यहां आते रहते थे और उसने यह घंट चढ़ाया।